सतपाल मलिक जी के रोजाना कोई ना कोई बयान आ रहा है। राजनीति में आने के लिए, राजनीति में चमकने के लिए, जेट प्लस श्रेणी की सुरक्षा पाने के लिए, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बन जाने के लिए, दोबारा राज्यपाल बन जाने के लिए या लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष बन जाने के लिए वो दिन रात लगे रहें। मगर अफसोस की बात है, ना सत्ता पक्ष ने उनको कुछ दिया, क्योंकि उनकी एक एज हो गई है, ना ही विपक्ष ने उनको दिया, कुछ भी नहीं दिया। और हकीकत यह है कि वो राज्यसभा चाह रहे थे विपक्ष दे दे, कहीं से लोकसभा दे दे, कहीं से कुछ दे दे, विधान परिषद में बना दे, कहीं नॉमिनेटेड कर दे, कहीं पर कोई भी संभावना नहीं। राजस्थान गवर्नमेंट में उन्होंने बहुत रियाज की कि गहलोत साहब शायद कहीं पे एडजस्ट कर लें, वहाँ भी कोई संभावना नहीं। पंजाब में उन्होंने बहुत कोशिश की, आपसे बहुत कोशिश की, दिल्ली में की, कहीं पर विपक्ष में नेता उपनेता किसी भी तरह से, कहीं से कोई भी नहीं। पहलवानों के उसमें भी गए तो पहलवानों के उसमें हकीकत ये है कि पहलवानों के उसमें वो आगे आगे बोलना चाह रहे थे। वह यह है कि जब उन्होंने देखा कि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग लगे हैं, बहुत बड़े बड़े कैपिटलिस्ट, बहुत बड़े बड़े पूंजीपत की बैंकिंग है, और वहाँ राजनीति थी कि पहलवान जाट लोगों का, थोड़ा सा पश्चिम के लोगों का और हरियाणा के लोगों का उसमें प्रभुत्व, तो उनका ये सोचता कि शायद हम कुछ इसमें मजबूत हो जाएं। वहाँ पर भी उनको निराशा मिली, उन पहलवानों ने इशारा कर दिया कि ऐसा कुन्ने का हो तो आमरण अनशन में आप बैठ जाइए। इनडायरेक्ट वे पे उस पर वो तैयार नहीं हुए, उनकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी। अभी उन्होंने एक बयान और दिया है जिसका बड़ा वो अर्थ है, वो ये है, अगर विपक्षी पार्टियाँ पुलवामा मुद्दे में मिलकर उठाती हैं तो मौजूदा सरकार चली जाएगी। उन्होंने ये बात कही और इस बात को बार बार कह रहे हैं, कल से रटन लगाए हुए हैं, मगर लोग उतना तवज्जो नहीं दे रहे हैं। सब राजनीतिक दलों को उन्होंने अपने मैसेज भेजे, करीब ये हफ्ते भर से वो प्रयास कर रहे हैं कि राजनीतिक दल उन्हें बुला लें, किसी ने बुलाया। कल उन्होंने फिर ओपन कर दिया आज कि अगर विपक्षी पार्टियाँ पुलवामा मुद्दे को मिलकर उठाती हैं तो मौजूदा सरकार चली जाएगी। मगर है क्या कि सभी राजनीतिक दलों ने धीरे से उनके प्रतिनिधि मंडल से क्या कहा कि इनकी ये है कि शायद ऐसा करके इनको नेता बना ले, इनको राज्यसभा या कहीं पे कोई टिकट दे दे या लोकसभा। सभी राजनीतिक दल ने कहा कि भाई इस दिशा में तो हम काम कर रहे हैं, तो इनका ऑफर था कि हमको टिकट भी दे दीजिए, बस सभी राजनीतिक दलों ने इनको टिकट के लिए इनकार कर दिया। तो काफ़ी निराश हैं वो, ये चक्कर में है कि कोई पार्टी हमको इसी बहाने टिकट देगी, मैं कोई भी राजनीतिक दल नहीं देने को तैयार है। वो TMC वगैरह के भी, जनता दल से या इन लोगों से, राजद से, यहाँ से भी कोई भी संभावना नहीं है, न राज्यसभा न लोकसभा। सभी दल उनसे उनको यूज़ करना चाह रहे हैं और उनको बयान देने में आगे रखना चाह रहे हैं नेतृत्व में। दादा की ये प्रॉब्लम है, दादा ने दबी जवान तमाम लोगों से कहा कि हमको बयान देने पे, हमको तोप के गोले पे आगे तो रखना चाहते हैं लोग, दूसरा किले का फाटक ये खोलना चाहते, तोड़ना चाहते हैं, परंतु हाथी के आगे मुझे बांधना चाहते हैं। पहले क्या होता था, किले के फाटक तोड़ने के लिए हाथी उस पर अपने सर से वार करता था, मगर चूंकि उसके सर पे चोट आए तो उसके आगे आदमी बांध दिया जाता था। इस समय भी यही पोजीशन है कि उनको एक प्रॉब्लम ये है कि कोई भी दल इनको कॉपरेट नहीं कर रहा। अब इसी पे क्या हुआ, जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात है, ये बात जब उन लोगों के पास पहुंची और इनके कई संदेश से उवैसी के पास पहुंचे, जब उवैसी से हुआ कि दादा के फेवर में बोलो, दादा जो है सरकार उखाड़ फेंक देंगे, दादा का ये है और सतपाल मलिक दादा का, तो आप समझ लीजिए उवैसी को बहुत मजबूर किया गया। एक सभा में उनको बार बार वो दिया गया कागज और वो कि आप इस पर बोल दिए, तो उवैसी ने बोला क्या सुनिए। उवैसी ने कहा कि सतपाल मलिक चुल्लू भर पानी में डूब मरो, उसने स्पष्ट कहा सतपाल मलिक चुल्लू भर पानी में डूब मरो। और उन्होंने कहा कि तुम तीन राज्यों के राज्यपाल रहे, सांसद रहे, राज्यसभा सदस्य रहे, एक पार्टी में उपाध्यक्ष रहे, समाजवादी पार्टी में रहे, इन तमाम दलों में रहे, परंतु तुम्हारे जो काम हैं वो बहुत ही डाउटफुल है, कुर्सी से तुम चिपक कर बैठना चाहते थे और अभी भी बैठना चाहते हो कुर्सी से चिपक करके,
और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि तुम्हारी देशभक्ति कहाँ है, तुम्हारी देशभक्ति, उन्होंने ये भी कह दिया इसके अंदर देशभक्ति नहीं है, और देशभक्ति कहाँ है, और देशभक्ति पे शक है। और ये बताया ओवैसी ने, जब इन्होंने बार बार स्लिप भेजी तो उन्होंने बताया कि पुलवामा में जो सियासी अटैक हुआ है उसमें इनकी भूमिका संदिग्ध है, और ये जो हैं 306 सीटें जो बीजेपी की आई हैं, उन सीटों को लाने में अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान है तो सतपाल मलिक का है। मतलब उन्होंने ये कह दिया सभा, बड़ी सभा में 306 सीटें भाजपा को इतनी जबरदस्त सीटें लाने पे, ये सतपाल मलिक का, और सतपाल मलिक को सिरे से खारिज कर दिया। इतने वैसे शब्द बोले हैं इनके लिए कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो, 3 बार ये बोला कि सतपाल मलिक तुम चुल्लू भर पानी। इतनी बुरी तरीके दादा को किसी ने नहीं झाड़ा था, सतपाल दादा को बुरी तरीके, सतपाल जी अभी भी लगे हुए। अब है क्या कि अगर विपक्षी पार्टियां पुलवामा मुद्दे में मिलकर एक हो जाए उठाती हैं तो मौजूदा सरकार चली जाएगी। इसमें दादा का ये सोचना है कि ये स्लोगन हमने दिया, हकीकत में इनको राजनीतिक पार्टियों ने बताया कि इस तरह से बोलो तो आपको हाईलाइट करा देंगे। इनको थोड़ा सा छपास रोगी हैं तो इनका छपने लगा, तो चूंकि इनकी कहीं कोई पूंछ है नहीं तो इनका ये था इसी बहाने मैं पेपर में देखूँ। अब ये चाहना है इसी बहाने इस मुद्दे पे अगर सब होगा तो मैं बीपी सिंह की तरीके नेता बन जाऊँगा, या मैं जयप्रकाश नारायण की तरीके नेता बन जाऊँगा, या चरण सिंह की तरह मैं नेता बन जाऊँगा, या भजन लाल की तरह नेता बन जाऊँगा। इन्होंने जब ये कुछ राजनीतिक नेताओं को बताया तो उन लोगों ने इनको क्लियर कर दिया, ना ही आप भजन लाल बन सकते हैं, चरण सिंह का बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता, ना ही आप अजीत सिंह बन सकते हैं, ना ही मुलायम सिंह बन सकते हैं। ये लोग वास्तव में बहुत बड़े नेता थे और प्योर जन नेता थे, आप जन नेता नहीं हैं, आप कई पार्टियों के वो रहे हैं। दूसरा आपको बताना है कि इनके लिए इतना गलत बोला, इतना वैसी ने जो बोला है उससे सतपाल मलिक काफ़ी सदमे में। और आपको बता दें पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल दुहन ने बोला, बेटियों की आंखों में इन आंसुओं की कीमत 2024 में चुकानी पड़ेगी, याद रखना याद रखना। ये पहलवानों के उसमें उन्होंने बोला, पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल दुहन, इन्होंने भी उसका उनका समर्थन किया, मगर समर्थन किया इनके समर्थन कर देने से क्या हुआ कि लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल दुहन को जो उन्होंने ये कहा था उसमें जो समर्थन मिल रहा था वो भी उदास हो गए कि इन्होंने कहाँ कर दिया। मतलब इनकी पोजीशन आज कहना नहीं चाहिए राजनीति में, नीम चरे करेले। अब आपको बता रहे हैं कि इनके बारे में आपको एक चीज़ और बता दें, ये जब ये जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे उस समय इनके ट्विटर अकाउंट में सिर्फ एक मेंबर था, ओनली वन, और वो थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री क्रिकेट प्लेयर इमरान खान, वो थे, और इमरान खान इनको डेली ट्वीट करते थे, डेली ट्वीट कर, ये इनका एक करेक्टर है। और देश, इन्होंने एक अपनी आर्मी बनाई है, सतपाल मलिक आर्मी है, सतपाल मलिक सेना, उसको ये काफ़ी दिन से इम्प्रूव कर रहे हैं अपने लोगों के जरिए। इन्होंने अभी जाट कोई खाप के किसानों को भी अपने घर पे बुलाया था, तो ये खुद ही थाने चले गए हाईलाइट होने के लिए, मगर आज पोजीशन है कि उस सेना पे ना कोई सदस्य है, और इतना प्रयास करने के बाद, बुढ़ापे मेहनत करने के बाद कोई भी दल इनका वो नहीं, साथ नहीं दे रहा। इन्होंने कहा जरूर अगर विपक्षी पार्टियां पुलवामा मुद्दे को मिलकर उठाती हैं तो मौजूदा सरकार चली जाएगी, किसी ने भी इनको तवज्जो नहीं दिया, और सतपाल मलिक का मुद्दा ये फुस पटाखे के तरीके हो गया।